मेरा नाम रितिशा लड्डा है और मेरा टॉपिक था साइबर क्राइम। तो अब इससे हमें हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब काफ़ी लोग जो है परेशान है, हर रोज़ हम भी न्यूज़ देखते हैं, बनाते भी हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पर बात हुई? हाँ जी, इस पर बात हुई। हमारा ग्लोबल इशू, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। इस पर लॉज वगैरह, जैसे मेरी कंट्री थी रशिया, इसने लॉज बनाए हैं रिसेंट ईयर्स में, लेकिन ये इशू अभी सोल्व हो रहा है। इसके केसेस ये नहीं है कि कम इजीली हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि ये स्टेबल हो गया अभी इशू। तो इसके अंदर ऐसे नए नए लॉज बना रहे हैं। अब ये ग्लोबली इशू, हमारा लास्ट में एक डॉक्यूमेंटेशन भी बना था, उसके अंदर लॉज भी पास हुए थे कि कैसे ये ग्लोबली सॉल्व हो सकता है। आर्टिकल 15 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लॉ, वो कहता है कि सभी के पास नेशनलिटी होना उनका राइट है। एंड मेरी कंट्री, जो मैं फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हर साल 3,000 रिफ्यूजीज को एज एक्सेप्ट करती थी स्टेटलेस, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। उनको प्रोवाइड करती है एजुकेशन, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिफ्यूजीज को लेना, एक्सेप्ट करना, कल को नेशन के लिए इनसिक्योरिटी तो नहीं बनती? वो फर्स्टली ये जो जिस कंट्री से आ रहे हैं वो उनकी जिस कंट्री से आ रही है उनकी डिसेबिलिटी को शो करता है कि वो अपनी सिटीजन्स को राइट नहीं दे पा रहे, प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं और मैं हूँ LD स्वामी, और इस वक्त मैं सतलुज पब्लिक स्कूल में हूँ, और मेरे साथ है सतलुज पब्लिक स्कूल मैनेजिंग हेड अजय कुमार, मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे। जो मॉडल यूनाइटेड नेशन 2024 कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सतलुज स्कूल के बच्चों को जो है वो बेस्ट अवार्ड 2024 का मिला है, इस कार्यक्रम को लेकर जो है खुलकर बातचीत करेंगे और पूरी डिटेल जो है वजह सर से जानेंगे। उसके बाद बच्चों से कनेक्ट करेंगे और उन्होंने जो हिस्सा लिया है उनको क्या सीखने को मिला और वो क्या उसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, ये पूरा प्रोग्राम क्या है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद बच्चों से बात करेंगे। थैंक यू सर। एक्चुअली मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशन जो ये प्रोग्राम था, ये सेंट जेवियर स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था 24-25 अक्टूबर को सिरसा के अंदर। तो इसमें अराउंड 26 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था नॉर्दर्न रीजन से, एंड इसके अंदर हमारे स्कूल को बेस्ट डेलीगेट की कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड मिला है। इसके अलावा 6 बच्चों को स्पेशल डबल सर्टिफिकेट मिले हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशन। एक्चुअली बेसिक एक एक्सरसाइज है, यूनाइटेड नेशंस जितने हैं जानते होंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो उसमें बच्चे रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले डिफरेंट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बन के ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। एंड इसका बेनिफिट क्या है कि बच्चों को एक्चुअली एक तो UN प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है, प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनको पब्लिक स्पीकिंग कैसे होता है, टीम वर्क, डिफरेंट टाइप का नॉलेज डिलीवर करने का तरीका क्या रहता है, वो बेसिक भाषा में कहे तो दुनिया को समझने का मौका मिलता है। दुनिया को समझने के साथ में पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज पता चलती है कि हाउ टू लीड ए टीम, टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, चाहे आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ भी करना है, दैट इज़ द मोस्ट स्किल। एंड एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कहती है कि सबसे पहले ये स्किल की ज़रूरत है एकेडमिक से पहले, तो उन स्किल्स पे बच्चे काम करते हैं और सीखने को मिलता है। तो इससे पहले भी हम ऑर्गेनाइज़ करते रहे हैं स्कूल के अंदर और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं, और इसी का एक नतीजा है कि हमने यहाँ पे बेस्ट डेलीगेशन का अवार्ड प्राप्त किया है। थैंक यू सर। अब बच्चों से वो एक्सपीरियंस जानेंगे, प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया है, सबसे पहले यहीं से शुरू कर देते हैं। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? रीदम अग्रवाल। मतलब क्या ये कार्यक्रम है, थोड़ा डिटेल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपने हिस्सा लिया, कैसा आपको लगा पहले, सबसे पहले वो? ये MUN का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला कि मतलब जैसे कि अब हम अपने स्कूल में बाहर जाके बाकी स्कूलों के बच्चों के साथ एक टीम वर्क में काम करना, लीडरशिप क्वालिटी सीखना कि कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उधर, और अपनी कंट्री को हमने उधर ग्लोबली प्रेजेंट किया है। हमने किसी, फॉर एग्जांपल मेरा ग्लोबल इशू था कि हम रिफ्यूजीज को कैसे उनकी ह्यूमन राइट्स सिक्योर करने में हेल्प कर सकते हैं, तो इस इशू को हमने ग्लोबली ट्रीट किया। तो ये इशू जो है वो काफ़ी बड़ा है, इंडिया में भी काफ़ी चल रहा है, जैसे म्यांमार से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों की बात चल रही है, इसके अलावा कुछ पहले भी एक ऑर्डिनेंस पास करके जो पाकिस्तान से अल्पसंख्यक आए थे उनको भी यहाँ पर नागरिकता दी गई है, तो और क्या सुधार किया जा सकता है इसमें?
इसमें हमें पहले तो रिफ्यूजीज या जो भी स्टेटलेस पीपल हैं जिनके पास कोई खुद की स्टेट है, कोई नेशनलिटी नहीं है, उन्हें हमें अपनी स्टेट के अंदर लेना चाहिए, उनको उनकी राइट्स देनी चाहिए। भले उनके पास कोई स्टेट नहीं है बट वो भी ह्यूमंस है, वो उनको भी ह्यूमन राइट्स मिलनी चाहिए। बेटा कॉन्ट्रोवर्सी ये चलती है कि देश में आगे ज़्यादा गरीबी है, अगर और लोग आएंगे तो उनका भी वजन जो है वो पड़ेगा कंट्री पे। नहीं, फिर भी हमें उनको राइट्स देनी चाहिए। अब उनको बाकी कंट्रीज, उनकी खुद की कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि अपने लोगों की सपोर्ट करने के लिए हम उन्हें सपोर्ट ना करें, उनको उनकी राइट्स ना दें। हम उनको भी अपनी कंट्री में लेके ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम चला सकते हैं कि उनको हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ मिले जिनकी उनकी एटलीस्ट बेसिक डेवलपमेंट हो, कि वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो। आपके पास क्या टॉपिक था, क्या बताना चाहोगे दर्शकों को? मेरा टॉपिक था, नाम बताएं पहले। मेरा नाम रितिशा लड्डा है और मेरा टॉपिक था साइबर क्राइम। तो अब इससे हमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब काफ़ी लोग जो है परेशान है, हर रोज़ हम भी न्यूज़ देखते हैं, बनाते भी हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पर बात हुई? हाँ जी, इस पे बात हुई। हमारा ग्लोबल इशू, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। इस पे लॉज वगैरह, जैसे मेरी कंट्री थी रशिया, इसने लॉज बनाए हैं रीसेंट ईयर्स में, लेकिन ये इशू अभी सोल्व हो रहा है। इसके केसेस ये नहीं है कि कम इजीली हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि ये स्टेबल हो गया अभी इशू। तो इसके अंदर ऐसे नए नए लॉज बना रहे हैं अब ये ग्लोबली इशू। हमारा लास्ट में एक डॉक्यूमेंटेशन भी बना था, उसके अंदर लॉज भी पास हुए थे कि कैसे ये ग्लोबली सॉल्व हो सकता है ये इशू, जैसे कि इंटरनेशनल कैंपेन्स और मतलब पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। और इसके अंदर जैसे 18 बच्चे हैं उनके लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए हैं कि मतलब वो ऐसी गलत एक्टिविटीज़ में ना जाएं और वो थोड़ा सा सेफ रहें। और डिजिटल अरेस्ट सुना आपने? डिजिटल अरेस्ट हुआ गुजरात में, कोर्ट लगाई गई थी और एक व्यक्ति को फंसा कर एक फर्जी कोर्ट डिजिटल बनाई गई थी जिसमें हियरिंग हुई थी उसकी। बाद में पता चला कि ये कुछ ज़मीन पे कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल या सिस्टम में ही है। मैं इस इशू से अवेयर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल मतलब ये सबको पता है कि ये चीज़ें होती रहती है, सारे पेरेंट्स को भी पता है, सारे ओल्ड एज लोगों को भी पता है, बच्चों को भी पता है। तो अवेयर रहना चाहिए, किसी भी मतलब लिंक्स वगैरह पे ऐसे खोलना नहीं चाहिए, अपना किसी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी मतलब सारी चीज़ों की सेफ्टी अपने हाथ में है, आपको रखनी चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी सेफ्टी करती है, लेकिन आपको खुद की सेफ्टी खुद मेंटेन करनी चाहिए। सिर्फ मोबाइल में लॉक लगा देना ही सेफ्टी नहीं है। हाँ जी, ये सिर्फ लॉक लगाने से सेफ्टी नहीं होगी, लेकिन अपना जो डाटा है वो जिन्होंने अपने वो बनाए हैं सॉफ्टवेयर, उनके पास अपना डाटा रहता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए कि ये नहीं है अपना किसी को भी, अपना जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, उसकी पिन किसी को भी बता दी, या फिर कोई भी अपने पास एनोनिमस लिंक आए उस पर क्लिक कर लिया, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, थोड़े से रुपये मतलब आपको कोई मतलब बोले कि अपने पास अपने पेटीएम में जैसे फ़ोनपे हो गया, उस पर आपको किसी ने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, वो बोलते गलती से आ गई। तो आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको मतलब पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, चाहे वो आपको कितना भी ब्लैकमेल करे, आपको पुलिस कंप्लेन करेंगे तभी वो इशू सॉल्व होएगा। आप मतलब खुद ही कुछ भी करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होएगा, वो इशू और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपकी डिस्कस हुई साइबर क्राइम पे, तो डेटा क्या कहता है, बढ़ रहा है लगातार या कम हो रहा है? अभी डेटा बढ़ भी रहा है और कई कंट्रीज़ में स्टेबल भी है और कई कंट्रीज़ में बहुत कम हो रहा है। इंडिया में डेटा स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, क्योंकि इंडियन लॉज पास कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है इन लॉज की। अपनी गवर्नमेंट है वो बहुत स्लो वर्क कर रही है। कोई भी आप टॉपिक ले ले, मतलब कोई भी इशू वगैरह ले ले, अपनी गवर्नमेंट जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है या फिर उनके लिए ज़्यादा अच्छे लॉज नहीं बना रही है। लेकिन बाकी जो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कंट्रीज काफ़ी अच्छे अच्छे लॉज बना रही है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। अगर आप इंडिया में कोई भी और केस लें साइबर क्राइम को छोड़ के, रिफ्यूजिस प्रॉब्लम हुए या फिर कोई भी, ये टॉपिक शानदार था, मेरा भी इंटरेस्ट था इसमें बात करने का, बट और भी बच्चों से बातचीत करना है। थैंक यू। क्या नाम बेटा आपका? ग्रेसी। आपका क्या टॉपिक था? हम सेम साइबर क्राइम पे रिलेटेड था। हाँ जी, क्या मैसेज है साइबर क्राइम को लेकर जो लोगों को, जो हर रोज थकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि जो लिंक्स आते हैं फ़ोन पे, जैसे जो अभी अवेयर नहीं है इस बारे में, तो उन्हें उन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ये फ़ोन पे पेटीएम कोई को बोलता है कि हमें मतलब गलती से आ गया पैसे, आप उस लिंक पे क्लिक करो तो दोबारा आ जाएंगे, तो हमें उन पे भी क्लिक नहीं करना चाहिए। जो फ़ोन कॉल फ्रॉड कॉल आते हैं, लाइक एक व्हाट्सअप फ्रॉड हुआ था थोड़ा टाइम पहले, उन्होंने बोला था जस्ट OTP शेयर करो और हम आपके पेटीएम में पैसे डालेंगे, तो
एक मतलब काफ़ी 1.2 मिलियन था ओमान कंट्री में, जैसे कंट्री ओमान थी उसके अंदर ही था, 1.2 मिलियन ने उस पर क्लिक करा और उनके ऑलमोस्ट अकाउंट्स खाली हो गए थे। तो ऐसे व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं जैकपॉट लगाए वगैरह, इन पे क्लिक नहीं करना चाहिए। इससे जो हमारी डाटा प्राइवेसी जो भी होती है वो सारी रिवील हो जाती है पब्लिक के सामने। और वैसे चिल्ड्रन के बारे में भी काफ़ी बात हुई थी कि जो चिल्ड्रन हैं वो भी इनके अंदर से सोशल प्लेटफॉर्म के बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे वो किसी के साथ भी बात करने लग जाते, दैट्स नॉट कि मतलब इससे भी उनकी प्राइवेसी ख़त्म होती है, अपने पिक्स वगैरह शेयर करना, सेक्स वो अपनी मतलब जो डिजिटल सोसाइटी है उसको छोड़कर जो ओरिजिनल अपनी सोसाइटी है उसमें जिए। हाँ, क्योंकि डिजिटल ऐसे कुछ झूठी दिखाते हैं, मगर वो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ नहीं होती है। तो रियल लाइफ से रियल लाइफ में आना चाहिए हमें, नॉट कि हम उसके अंदर पूरा टाइम सोशल मीडिया के अंदर लगे रहें। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम हरमन कौर है। क्या एक्सपीरियंस है हरमनपुर का? मेरी कमेटी थी लोकसभा, उसमें मेरा टॉपिक, हाँ जी, और उसमें मेरा टॉपिक था कि डिजिटलाइजेशन करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो उसमें, तो उसमें हमने पहले तो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, फिर हमने उसके सोल्यूशंस ढूंढे। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एज अ फर्स्ट टाइमर मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस गया, मेरे में स्पीकिंग स्किल्स आई और मुझे कैसे टीम वर्क करना है और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है इतनी बड़ी सभा में, ये मेरा एक्सपीरियंस था। क्या क्या करना चाहते हो आप इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मुझे फॉरेन जाना है और वहाँ पे मुझे डॉक्टरी की स्टडी करनी है। या आगे आगे माइक देना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिधिमा है। मेरा एम यू एन में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। एज अ फर्स्ट टाइमर मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हुई। और उसके साथ ही टीम वर्क कैसे करते हैं, वहाँ पर 250 स्टूडेंट्स थे, उनके साथ वर्क करना, एक नए एनवायरनमेंट में खुद को प्रेजेंट करना सीखा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब समझ आ गया क्या करना है? यस सर। क्या करना है? टू बी ऑनेस्ट मुझे ये समझ में आया कि आपको अपनी स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, अकेडमिक ही रह के आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, सेल्फ एस्टीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्मीत कौर है। क्या एक्सपीरियंस आपके शेयर करें? मेरा MEN में ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं कहूँगी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसा कभी ऐसा हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि पहली बार हमें ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और वहाँ पर जाके तो हमने फर्स्ट टाइम गए और फर्स्ट टाइम में अवार्ड जीत लिया। हाँ जी, मतलब ऐसा, मतलब हमें यहाँ पर जी हमें स्कूल में भी मतलब अच्छे से सिखाया गया था, नवदीप सर हमारे, उन्होंने हमें अच्छे से सिखाया, एक्सप्लेन किया सब कुछ, यहाँ से अच्छा बना। हाँ जी, फर्स्ट टाइम के और अवार्ड जीत लिया। हाँ जी, हमने स्कूल में भी बहुत प्रैक्टिस की, फिर वहाँ पर जाके हमने ऐसा किया, मतलब वहाँ पर जाकर नॉट ओनली मतलब बोलना, मतलब वहाँ पे एट द मोमेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उनके आंसर कैसे देने हैं, क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, वो सब हमें सीखने को मिला जो हमें मे बी कहीं और नहीं सीखने को मिलता। तो क्या नाम आपका? माय नेम इज माधव एंड ये मेरा पहला MUN का एक्सपीरियंस था और लिटली पहला ही था। हाँ, लिटली काफ़ी, यस सर, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वोकेशनल स्कूल में भी कैसे अदर कंट्रीज की पॉलिसी है, इश्यूज हैं, उन पे कैसे बात की जाती है। यस सर, जैसे कि आपको पता है MUN के अंदर हम नहीं रहते, सिर्फ पढ़ाया जाता है किताब में, नहीं यहाँ पे अदर स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो जैसे कि मेरी कंट्री फ्रांस थी और मेरा टॉपिक स्टेटलेस पीपल का था, तो मेरी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई और टीम को कैसे लीड करते हैं उसके बारे में भी मुझे पता चला। कंट्री फ्रांस थी, कई बच्चों ने अलग अलग बताई, अब इस टॉपिक को थोड़ा और डीप जाता हूँ मैं। कंट्री फ्रांस थी तो आपको, आपने फ्रांस की पुलिस को स्टडी किया? यस। यहाँ स्कूल में करवाया गया आपको? मैंने खुद स्टडी किया, रिसर्च करी अच्छी तरह फ्रांस के ऊपर, एंड यस गाइड किया है, फुल सपोर्ट किया है। एंड आर्टिकल 15 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लॉ वो कहता है कि सभी के पास नेशनलिटी होना उनका राइट है। एंड मेरी कंट्री जो मैं फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हर साल 3000 रिफ्यूजीज को एज एक्सेप्ट करती थी स्टेटलेस, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, उनको प्रोवाइड करती एजुकेशन, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिफ्यूजीज को लेना, एक्सेप्ट करना, कल को नेशन के लिए इनसिक्योरिटी तो नहीं बनती? वो फर्स्टली ये जो जिस कंट्री से आ रहे हैं वो उनकी, यस, जिस कंट्री से आ रही है उनकी डिसेबिलिटी को शो करता है कि वो अपनी सिटीजन्स को वो राइट नहीं दे पा रहे, प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही। बट
जो हमारी कंट्री में उसके अंदर एक प्रॉपर हमने इंस्टीट्यूशन बना रखा है ओफ्परा, और जहाँ तक आपने बात करी टेररिज्म को ध्यान में रख के भी हमें लेना पड़ता है, लेकिन लेकिन नहीं, ऐसा कुछ अभी रिसेंट ईयर में मेरी कंट्री में नहीं देखा गया है कि टेररिज्म जो स्टेटलेस पीपल हम ले रहे हैं उनकी वजह से कोई एक्टिविटी हो, लेकिन फिर भी हम अपने सिटीजन्स को इक्वल राइट देते हैं, ऐसा कोई भी इशू जो वॉयलेंस क्रिएट करे वो मेरी कंट्री में अभी तक नहीं आया है। थैंक यू। कुछ बच्चे रह भी गए हैं, चलिए थैंक यू बातचीत के लिए। और हमने जो अभी समझा है दो टॉपिक हमने कवर किए हैं, जिसमें रिफ्यूज़ को जो है वो शरणार्थियों को शरण देना देश में हिंदी में बताऊं तो, और दूसरा साइबर क्राइम जो है इस समय पूरे विश्व में बढ़ रहा है लगातार, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है विश्व में वैसे वैसे जो चुनौती बनता जा रहा है साइबर क्राइम। और हमारे दर्शकों को भी हम अपील करेंगे, बच्चों ने भी शानदार अपील की कि अगर अननोन नंबर से आपके पास कोई लिंक आता है, आपको कोई एक्स्ट्रा ऑफर देता है रिचार्ज को लेकर या आपके खाते में पैसे आने को लेकर, कोई भी लालच लोभन अगर आपको दिया जाता है तो उस लिंक को, उस ऐप को, क्लोन ऐप को जो है वो बिल्कुल ओपन ना करें अपने मोबाइल में, और जितना हो सके अपने मोबाइल को, अपने सिस्टम को जो है वो जितना आपको काम है उतना ही यूज करें, और रियल लाइफ से बाहर निकल कर रियल लाइफ को, अपनी सोसाइटी को जीने का प्रयास करें। और अब आपको जो है वो सतलुज स्कूल के बच्चों से मिला रहे थे जिन्होंने अलग अलग कंट्रियों को रिप्रेजेंट किया और जो वर्ल्ड के जो इशू हैं उन पर बातचीत की, बहुत कुछ सीखने को बच्चों से मिला है। और सतलुज स्कूल पब्लिक स्कूल में जो बेस इन बच्चों का बनाया गया वो एक शानदार टॉपिक है कि उन बच्चों को इस तरह से तैयार करके वहाँ भेजा गया कि पहली बार उन्होंने हिस्सा लिया और पहली बार ही वो बेस्ट डेलीगेशन अवार्ड जो है वो जीत कर आए हैं। तो सभी बच्चों को और स्कूल मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।